Hey guys, this is Pratiksha and welcome back to my channel. In today's video, I'm showing you my entire collection from Bath & Body Works, जिसमें body mist है, body lotion है और shower gel और candles है. So, without any further ado, let's get into the video now. मुझे fragrances का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं उसे daily basis पे use करती हूँ. Mostly मैं body mist और perfume, ये दो चीज़ें ज़रूर अपने लगाती हूँ जब बाहर कहीं जाती हूँ. और regular basis में मैं underarm roll-ons लगाती हूँ. आप लोग ये देख सकते हैं, मेरे पीछे परफ्यूम और डिओड्रेंट रैक है और इसमें जो और परफ्यूम नहीं आ पा रहे थे वो इसमें है. सो मेरे पास बहुत ही अच्छा खासा कलेक्शन है परफ्यूम और बॉडी मिस्ट का. ये है मेरे बॉडी मिस्ट और ये है मेरे बॉडी लोशन और शावर जेल्स, जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट 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 फ्रेगरेंस है वो है ये स्ट्रॉबेरी पाउंड केक. इसकी स्मेल जो है थोड़ी सी स्वीट और फ्रूटी टाइप की, नॉट टू स्वीट, जैसे कोई कप केक और थोड़ी सी स्वीटनेस के साथ, वैसे ही है इसकी इसकी स्मेल एकदम अमेजिंग है. आप इसको डे टाइम भी लगा सकते हो, नाइट टाइम भी लगा सकते हो. इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है और ये 1700 का था. मुझे मैं मोस्टली सारे फ्रेगरेंसेस डिस्काउंट में लिए हैं तो सब मोस्टली हाफ रेट्स के ही हैं, तो ये मुझे शायद 700 की 800 का पड़ा था. ये मैंने 2 या फिर 3 साल पहले लिया था. फिर उसके बाद बाथ एंड बॉडी वर्क्स ने इसको रीस्टोर किया नहीं, वो आउट ऑफ स्टॉक ही तब से चला आ रहा है. मुझे तो ये फ्रेगरेंस इतनी पसंद है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं. और सेम इसी रेंज के मेरे पास ये शावर जेल है, इसकी भी स्मेल बिल्कुल सेम उसके जैसे बॉडी मिस्ट जैसे ही है. फिर ये है इसका बॉडी लोशन. बॉडी लोशन में जो थोड़ा सा फ्रेगरेंस है वो हल्का सा आर्टिफिशियल स्मेल करता है, मतलब थोड़ा सा, और ये सारे नेचुरली वे में स्मेल करता है. ये आपकी बॉडी में 4 to 6 hours तक आराम से स्टे करता है. इसके जो फ्रेगरेंस नोट्स हैं वो है फ्रेश पिंच स्ट्रॉबेरीज, गोल्डन शॉर्ट केक एंड व्हिप क्रीम. सो ये बिल्कुल एकदम कप केक जैसा स्मेल करता ही है. आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं. अगर ये फिर से रीस्टॉक होता तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग इसको ज़रूर परचेज कीजिएगा. मेरे पास जो जितने भी फ्रेगरेंसेस है वो मोस्टली थोड़े से स्वीट वे में है, नॉट टू स्वीट पर थोड़े से स्वीट फ्रेगरेंस में. वो मूव टू नेक्स्ट वन. तो ये है शैम्पेन टोस्ट, जो मुझे वैलेंटाइन टाइम बाथ एंड बॉडी वर्क्स के इंस्टाग्राम में गिव अवे में मिला था. इवन इसका पूरा हैम्पर मुझे गिव अवे में मिला था, जिसमें था ये बॉडी मिस्ट, शावर जेल एंड बॉडी लोशन. मैंने देखा था एक यूट्यूबर के बारे में बात कर रही थी, वो बोल रही थी कि इसकी स्मेल बग स्प्रे जैसे लाइक मॉर्टिन, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा. मॉर्टिन स्प्रे जैसा तो स्मेल नहीं किया कहीं दूर दूर तक नहीं, तो मे भी उनके में कुछ इशू हो. इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी बबलिंग शैम्पेन विथ फ्लावर और थोड़ी स्वीट टाइप की है. मोस्टली ये थोड़े से मतलब फ्लोरल वे में है, नॉट टू फ्लोर फ्लावरी रोज वोज टाइप की नहीं है, थोड़ी सी फ्लोरल में है. ये गर्ल्स को तो बिल्कुल पसंद आने वाला है. अगर आपको कुछ लेना है तो आप इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं. और उसका सेम जो ये शावर जेल है वो भी बिल्कुल सेम फ्रेगरेंस है. तो आप जब बात करके आते हो तो आपके बॉडी में ये स्मेल हाफ एन आवर तक आराम से रहती ही रहती है. और जो उसका ये बॉडी लोशन है ये तो एकदम अच्छा है. जैसे मैं इसे अप्लाई करती हूँ अपने, तो ये आपको नरिश भी करता है और विंटर्स के लिए ये लोशन काफ़ी अच्छा है. तो आप ये रेंज ट्राई कर सकते हैं और ये भी बाथ एंड बॉडी वर्क्स में डिस्काउंट में है भी. इसके जो फ्रेगरेंस नोट्स है वो है बबली शैम्पेन, स्पार्कलिंग बेरीज और जूसी टैंजरीन, मतलब इसमें ऑरेंज भी है और शैम्पेन भी है और बेरीज का फ्रेगरेंस है. तो आप लोग समझ सकते हैं कितना अच्छा सा स्मेल कर रहा होगा. मूव टू नेक्स्ट वन. मेरे पास ये यू आर द वन. मैं इसको लेने के लिए काफ़ी कन्फ्यूज थी क्योंकि मैंने मिक्स रिव्यू देखे थे तो मैंने इसे बाय किया. मोस्टली जितने भी फ्रेगरेंस है वो मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया क्योंकि स्टोर में लिमिटेड फ्रेगरेंसेस रहते हैं और वहाँ पर जाओ स्टोर पे तो आपको इतने सारे फ्रेगरेंसेस वो लोग स्मेल करा देते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा लें कि ना लें. तो मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद ये लिया था यू आर द वन. इसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग है तो और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है. ये थोड़ा सा रोज विथ स्ट्रॉबेरी जैसे फ्रेगरेंस में आता है. इसके जो फ्रेगरेंस नोट है वो है वाइट बर्च, वेलवेटी रोज एंड अ ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉबेरी नेक्टर. आप लोग इसको बाय कर सकते हैं. ये मुझे 800 का मिला था. जितने भी फ्रेगरेंसेस मैंने बॉडी मिस्ट या फिर बॉडी लोशन परचेज किए
वो मोस्टली सब डिस्काउंट में है, और मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी कि मुझे ये कितने के पड़े। और आप लोग सेमी एनुअल सेल जो बाथ एंड बॉडी वर्क्स के साल में 2 बार होती है, उसमें आप लोग ले सकते हो। एक विंटर में होती है, एक समर टाइम होती है। तो अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो वो टाइम बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें 50 to 70% तक ऑफ मिल जाता है। तो मोस्टली सब जो 2000-3000 के होते हैं प्रोडक्ट्स, वो आपको आराम से 800-600 के मिल सकते हैं। तो आप लोग उस टाइम अच्छे से बाय कर सकते हैं। सेम रेंज के मेरे पास ये कैंडल है, जो उसका बॉडी में से उससे ये स्मेल थोड़ी सी इसकी अलग है, क्योंकि ये थोड़ी सी स्वीट में ज़्यादा आ जाता है, और थोड़ा सा फ्लोरल और स्वीट टच है इसमें। स्ट्रॉबेरी थोड़ा सा हल्का सा मिसिंग है, पर ये भी आपके रूम को अच्छे से फ्रेश रखता है। आप इसे बर्न करते हो तो 1 डे तक ये आराम से आपके रूम को फ्रेश रखेगा। सो आप लोग इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। और मुझे ये मिला था 1000 का, इसकी MRP थी 3500 पर। मैंने उसे सेमी एनुअल सेल मिला था तो मुझे ये 1000 मिला था, और मुझे लगता है 1000 के हिसाब से इतनी क्वांटिटी सही है। जब हम लोग कैंडल्स की बात कर रहे हैं, तो ये रहा मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैंडल, जो है महागुनी वनीला। आप इस देख सकते हैं, मैंने इसे हाफ यूज़ कर चुकी है। इसकी जो स्मेल है वो स्ट्रॉन्ग स्मेल है। इसमें हल्का जो लास्ट में बर्न करने के बाद जो वनीला का टच आता है वो इतना अच्छा है। और मैंने जब इसे परचेस किया था, उसके बाद से ये फुल साइज कभी रिस्टॉक हुआ नहीं उनके साइट पे। मैं हमेशा चेक किया है, पर ये रिस्टॉक हुआ नहीं। आई होप जल्दी रिस्टॉक होगा। और ये भी मैंने 2-3 ईयर्स पहले परचेस किया था। इसमें जो इसके फ्रेग्रेंस नोट है वो है वॉर्म वनीला एंड स्वीट सैंडलवुड। ये भी शायद 3000-4000 की थी, और मैंने उसे डिस्काउंट में 1300 का लिया था, और ये अभी तक चल रही है। उसकी स्मेल आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी कैंडल आपको ट्राई करनी है, कहीं से स्टार्ट करना, तो आप लोग ये महागुनी वनीला ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यह आपके रूम को एक अच्छा सा वनीला वाइब्स जैसे स्मेल करेगा, और ये इसकी स्मेल 1-2 दिन तक आपके रूम में आराम से रहेगी। आप इसे जैसे 1 या 2 आवर बर्न किया, फिर उसके बाद आपके रूम में ये स्मेल 2-3 डेज तक रहेगी रहेगी। और जैसे आपने एक रूम में इसे बर्न किया, दूसरे तीसरे रूम में भी अच्छे से इसकी स्मेल जाएगी। तो आप इसके बर्न करेंगे, आपको ज़रूर ये कॉम्प्लीमेंट देगी देगी। लोग पूछेंगे कि ये क्या स्मेल कर रहा है, आपने क्या जलाया है, ऐसा कुछ। देन बात करते हैं इसकी, ये मैंने अक्टूबर टाइम अभी लिया था। गिनगम, ये ओरिजिनल गिनगम है। गिनगम्स की लाइफ में आई थिंक गिनगम लव, गिनगम गॉर्जियस ये सारे भी ऐड हुए, पर मैंने अभी इसे ओरिजिनल को ट्राई किया है। ये आपको बॉडी मिस्ट प्लस परफ्यूम टाइप की वाइब देती है। क्लासिक परफ्यूम है ये। इसको मैन भी यूज़ कर सकते हैं, वुमेन्स भी यूज़ कर सकते हैं। यूनिसेक्स परफ्यूम है ये। और ये थोड़ी सी मतलब कि स्वीट टच में है, नॉट टू स्वीट पर हल्की सी स्वीट टच में है। आप लोग इसको लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये, हाँ ये थोड़े मतलब थोड़े सेंटेड विथ स्वीट टच में है। ये मिस प्लस परफ्यूम का काम करता है। इसके जो फ्रेग्रेंस नोट्स है वो है ब्लू फ्रीशिया, वाइट पीच, फ्रेश क्लेमेंटाइन, वॉयलेट एंड क्लीन मस्क। तो ये परफ्यूम एकदम क्लासी स्मेल करता है, और इसको मतलब कि कोई भी टीनेजर गर्ल या फिर नॉर्मल वूमेन भी से यूज़ अब कर इसको सकते, ट्राई कर पहनेंगे। सकते हैं। अगर आपको कोई रेंज इसकी बाथ एंड बॉडी वर्क्स की स्टार्ट करनी है, तो आप ये गिनगम से स्टार्ट कर सकते हो। और स्ट्रॉबेरी बाउंड केक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस में है, पर आप उसे भी ट्राई कर सकते हो, आपको बिल्कुल पसंद आएगी। अगर आप कोई बिगनर्स गर्ल हो या फिर नॉर्मली भी, ये आपको पसंद आएगी आएगी, तो देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये ट्रेवल साइज बॉडी मिस्ट की। मैं कोई भी प्लान या फिर कोई आइडिया नहीं था इनको परचेस करने का। मैं बाथ एंड बॉडी वर्क के स्टोर पे विजिट किया था, तो उन्होंने इतने सारे फ्रेग्रेंस मुझे स्मेल करवा दिए थे कि मेरी नोज जो थी वो बिल्कुल मतलब चोक हो गई थी। समझ नहीं पा रही थी क्योंकि कौन सी स्मेल कैसी है, कौन सी कैसी है। तो फाइनली मैंने लास्ट में ये दोनों को ट्राई किया, और उनकी स्मेल मुझे अच्छी लगी, तो मैंने वहाँ से ये बाय किया है। मैं कोई प्लान नहीं था इनको बाय करने का, पर मैंने प्लान बाय किया है। पर मुझे लगता है बाद में कि हाँ मैंने ये अच्छा बाय किया है। जो है मैड अबाउट यू, इसकी स्मेल फ्लोरल वे में है, स्वीट विथ फ्लोरल। इसकी जो फ्रेग्रेंस नोट्स है वो है ब्लैक करेंट, ब्राइट पियोनी, पिंक जैस्मिन। तो ये सारे फ्लोरल में है, स्वीट विथ फ्लोरल। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ट्रेवल साइज में मुझे ये 500 में मिला था। मुझे लगता है 500 के हिसाब से क्वान्टिटी भी इसकी काफ़ी सही है। 1000 की MRP पर उसमें तब हाफ रेट में मिल रहे थे, तो ये मुझे 500 का मिला। और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, और उसके स्मेल थोड़ी सी हार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग में है, नॉट हार्ड, स्ट्रॉन्ग में है। स्वीट
और स्ट्रॉन्ग में है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्लोरल स्मेल ज़्यादा पसंद है तो आप लोग इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। बॉडी मिस्ट है वो है विंटर कैंडी एप्पल, आप नाम से पहचान सकते हैं इसमें स्मेल्स की जो होगी वो कैंडी टाइप की है, मतलब थोड़े से एप्पल विथ कैंडी होता है वैसा कॉम्बो है इसका। और ये विंटर टाइम ही बाथ एंड बॉडी वर्क्स में आता है, इसमें मतलब कुछ फ्रेग्रेंसेस है जो स्पेसिफिक विंटर में मिलते हैं और स्पेसिफिक समर्स में मिलते हैं, वो 12 मंथ्स तक नहीं मिलते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं। तो उसमें से ये है विंटर कैंडी एप्पल है, इसके जो फ्रेग्रेंस नोट्स है वो है रेड एप्पल, वाइट रोज पेटल्स, कैंडिड ऑरेंज, मेपल लीफ एंड फ्रेश सेरेमन। तो इसकी स्मेल अच्छी है, कैंडी जैसी इसकी स्मेल है। अगर आप इसकी स्मेल मतलब वैसे स्वीट सी कैंडी नहीं है, नॉर्मल कैंडी एप्पल कैंडी जैसी होती वैसी इसकी स्मेल है। और आप अगर बिगनर्स हो या फिर ऐसे ही ट्राई करना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, उसकी स्मेल लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने विंटर्स टाइम से परचेस किया था तो मैं तो एक बार स्प्रे कर देती थी तो ये मुझे 6 to 8 आवर्स तक लास्ट करता था। तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं, आपको ये कैंडी जैसे स्मेल अगर पसंद है तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। नाउ मूव टू आर सेकेंड लास्ट बॉडी मिस्ट जो है इन द स्टार। मैंने इन द स्टार यूट्यूब में देखा था, इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, मतलब लोग इसे लग्जूरियस क्लासिक परफ्यूम और मिस्ट में इंक्लूड कर रहे थे, तो मैंने इसे ऑर्डर किया था। ये मुझे 900 का मिला था तब, 2000 की MRP पर मुझे ये 900 का मिला था डिस्काउंट में। तो मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम मतलब आया था स्मेल किया था तो आई वॉज लाइक इसकी स्मेल क्या है, मैं कंफ्यूज थी इतना, क्योंकि मुझे उस टाइम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि लोग इसको इतना हाइप दे रहे हैं, ये इतना हाइप वाला है कि नहीं। तो मैंने फिर से टाइम दिया, 3-4 डेज यूज़ किया, फिर बीच में बंद कर दिया, फिर एक दिन रैंडमली मैंने इसे लगाया, देन आई रियलाइज कि हाँ इसकी जो स्मेल है वो एकदम लग्जूरियस टाइप की, अच्छी सी नाइट फ्रेग्रेंस टाइप की है। अगर आप इसको लगा के जाओगे तो आपको ज़रूर लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे देंगे। और ये यूनिसेक्स परफ्यूम, यूनिसेक्स बॉडी मिस्ट है जो कि परफ्यूम जैसे भी वर्क करता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। मुझे लगता है ये 1 डे तक लास्ट करता है, मैंने क्योंकि इसे यूज़ किया था तो काफ़ी टाइम तक इसकी स्मेल मेरे पास रही थी, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है ये। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये थोड़ा सा वैसा परफ्यूम, मतलब कुछ परफ्यूम्स होते हैं, कुछ बॉडी मिस्ट होते हैं जो एक बार में आपको समझ में नहीं आते, आपको उसको टाइम देना होता है कि वो आपके बॉडी के साथ कैसा जा रहा है, आपको उसकी फ्रेग्रेंस कैसी लग रही है, तो कुछ फ्रेग्रेंस को आपको टाइम देना होता है। तो ये था, तो मुझे फिर बाद में ये अच्छा लगने लगा। ये नाइट परफ्यूम है, आप इसे डे में भी यूज़ कर सकते हो एज अ बॉडी मिस्ट और परफ्यूम, ये दोनों आपको काम करेगा। मुझे तो ये फिर बाद में पसंद आने लगा। मोस्टली सबके जो फ्रेग्रेंसेस के नेम है वो बहुत ही ज़्यादा फैंसी है, तो उसके जो फ्रेग्रेंसेस नोट्स हैं वो है स्टार फ्लावर्स, सैंडेड वुड, मस्क, शुगर, टेंगलो, वाइट अगरवुड एंड रेडियंट एम्बर। तो आपको अगर ऐसे फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको ये एकदम लग्जरियस स्मेल और क्लासिक स्मेल इसकी वैसे स्मेल करेगा ये, आपको आप लोग इसको ले सकते हो। देन लास्ट बॉडी मिस्ट इन टू द नाइट, ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया पर मुझे ये काफ़ी पसंद आया, मैंने इसे यूज़ किया हुआ है। ये आपको एकदम बिल्कुल नाइट फ्रेग्रेंस है, जैसे नाइट डे टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और ये थोड़ा सा चॉकलेटी कॉफ़ी टाइप की स्मेल में, नॉट चॉकलेटी, ये थोड़ा सा कॉफ़ी विथ फ्लावर्स टाइप की स्वीट स्मेल में है, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ये मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, और ये मेरे देखिए ड्रेस के साथ भी सिमिलर है। तो इसके जो फ्रेग्रेंस नोट्स हैं वो है रेसबेरी नोच, एम्बर क्रिस्टल, वेलवेट रोज पेटल, कैरेमलाइन पचूली एंड मोका मस्क। तो फ्लावर विथ कॉफ़ी टाइप की इसकी स्मेल है, और ये 6 to 7 आवर्स तक आपकी बॉडी में लास्ट करता है। और इसको आप एज अ परफ्यूम भी यूज़ कर सकते हो और बॉडी मिस्ट भी यूज़ कर सकते हो। बाथ एंड बॉडी वर्क्स के जितने भी मतलब बॉडी मिस्क है वो आप एज अ परफ्यूम जैसे भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके क्लोथ्स में भी स्टे करते हैं, साथ साथ में बॉडी में स्टे तो करते हैं। और मुझे लगता है कि इनके मोस्टली जितने भी बॉडी मिस्ट हैं वो 5 to 6 आवर्स से स्टार्टिंग ही होती है उनकी स्टे करने की, मतलब कि मुझे लगता है कि उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कुछ कुछ बॉडी मिस्ट ऐसे होते हैं जो 1-2 आवर्स के बाद एकदम गायब हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल बाथ एंड बॉडी वर्क के बॉडी
बॉडी मिस्ट में तो मुझे ऐसा कभी भी नहीं मिला। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मैंने अपने जितने भी बाथ एंड बॉडी वर्क्स के कलेक्शन थे वो आपको दिखाया है। आप मुझे बता भी सकते हो, रिकमेंड भी कर सकते हैं कि मुझे और कौन से बाथ एंड बॉडी वर्क्स के बॉडी मिस्ट या फिर बॉडी लोशन, शार जेल या कैंडल ट्राई करनी चाहिए, और आपके इनमें से कौन सी फेवरेट है आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी तो फेवरेट ये स्ट्रॉबेरी पाउंड केक है। अगर आपको ट्राई करना तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप वो जल्दी से इनको फ्री स्टॉक मिले आए। और शैम्पियन टोस्ट भी जो है वो भी काफ़ी अच्छे, मतलब सारे परफ्यूम, सारे बॉडी मिस्ट जितने भी हैं वो सारे अच्छे ही, जितने मेरे पास हैं वो तो एटलीस्ट अच्छे हैं। मुझे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ इसमें ये कमी है या फिर वो ज़्यादा बेकार टाइप या फिर वो ज़्यादा अच्छा है। पर हाँ, ये जो स्ट्रॉबेरी पाउंड केक है वो मेरा फेवरेट है, तो सबसे अच्छा है, मुझे यही लगता है। तो और भी सारे फ्रेगरेंसेस काफ़ी अच्छे हैं। और आप ये जितने भी मैंने आपको फ्रेगरेंसेस शो किए हैं वो अगर आप अपने यूज़ करोगे आप तो आपको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और आप देख सकते हो अपने स्मेल और अपनी पसंद के हिसाब से कि आपको कैसी फ्रेगरेंसेस पसंद है, क्या कैसी है। मुझे जितने भी मेरे पास कलेक्शन है उतने में सब कुछ सारी स्मेल उनकी सारी फ्रेगरेंसेस पसंद है। सो होता है कि किसी लोगों को वो फ्रेगरेंसेस उतनी पसंद नहीं आती, किसी को आती है, तो मुझे तो मेरे जितने भी कलेक्शन में है उतने पसंद आती है। और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, और आप भी अपने रिकमेंड बताना कि मुझे और क्या इनका ट्राई करना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने देखा आप लोग सब्सक्राइब बहुत ही कम कर रहे हो, तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।